दोस्तों भारत की बात की जाए तो गंगा ना सिर्फ देश भर में लाखों लोगों की प्यास बुझाती है बल्कि कई लोग इस पानी से खेती करके अपना घर भी चलाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जिस तरह इस नदी के अंदर प्लास्टिक वेस्ट और शहर से निकलने वाले सीवर की पानी की क्वांटिटी तेजी से बढ़ी है, उससे इंसानों के साथ कई जीवों के लिए भी अपने अस्तित्व को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। बनारस में कुछ समय पहले तक गंगा के घाट में नाले का 5 करोड़ लीटर पानी हर रोज गिर रहा था, जो गंगा में आस्था रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल भारत सरकार को जर्मनी की कंपनी का साथ मिला है, जिसने देश में कई नदियों की सूरत और सीरत को बदलने का जिम्मा उठाया है। आइए जानते हैं कैसे जर्मन कंपनी कैसे बनारस की नदियों को साफ कर रही है। उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सिचुएशन कैसे बनी। भारत में पिछले कुछ दशकों से नदियों में होने वाला प्रदूषण सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। 125 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ी ये नदियां आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो देश में मौजूद 445 नदियां आज इतनी गंदी हो चुकी हैं कि इनके पानी में नहाने से आपको स्किन से जुड़ी कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। बता दें कि इस पानी में फास्फोरस और नाइट्रेट मिला होता है, जिसका केमिकल रिएक्शन इंसानों को बीमारियां और नदियों में रहने वाले जीवों की आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व तक मिटा सकता है। एक आंकड़े की माने तो देश में हर दिन 38 बिलियन लीटर गंदा पानी निकलता है। इसका 29% ही रिसाइकल किया जाता है, बाकी का एक बड़ा हिस्सा नदियों में छोड़ दिया जाता है। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2011 में किए गए एक सर्वे में पाया था कि भारत में 8000 शहरों में गंदे पानी को साफ या फिल्टर करने के लिए किसी भी तरह का कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जो इन नदियों के साफ पानी को तेजी से गंदा कर रहा है। इस वक्त भारत में गंगा को सबसे प्रदूषित नदियों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात की जाए तो यहाँ हर रोज 7 करोड़ लीटर सीवर का गंदा पानी 80 और सामने घाट में जाकर मिलता है। चलिए, आपने ये तो जान लिया कि कैसे देश में रहने वाले लोग ही जाने अनजाने भारत में बहने वाली नदियों को गंदा कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कौन है जर्मनी की वो कंपनी जिसने गंगा को साफ करने का बीड़ा उठाया है। बनारस, जिसे शिव की नगरी भी कहा जाता है, जो अपने सुंदर घाट के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आरती देखने के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। लेकिन इसके गंदे हो चुके कई घाटों को साफ करने का जिम्मा जर्मनी की कंपनी फिशर ने उठाया है। इस कंपनी के भारत आने और से साफ करने के लिए सरकार से जुड़ने तक की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जर्मनी की कंपनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग के फील्ड में पिछले काफी समय से काम कर रही है और इसे कुल मिलाकर 5 लोग चलाते हैं। ये सभी लोग जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इस कंपनी में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले मैट ब्रिक भी हैं, जिन्हें एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी खासी समझ है और वो इसके लिए काफी मशहूर भी हैं। मैट ब्रिक भारत में नदियों को साफ करने से पहले जर्मनी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस से जुड़ रहे थे, लिहाजा उन्हें इन सभी चीजों का काफी अनुभव हो चुका है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जर्मनी में प्लास्टिक फिशिंग के नाम की कंपनी बनाई, जिसका मकसद एक बड़े पैमाने पर एनवायरनमेंट को प्लास्टिक फ्री बनाना था। जब मैट ब्रिक और उनकी टीम मार्च 2021 में भारत घूमने के लिए आए तो उन्होंने 80 और वरुणा घाट को बहुत बुरी हालत में देखा था, जहां हर तरफ प्लास्टिक वेस्ट और कचरा फैला हुआ था। उन्होंने बिना देरी किए तत्कालीन नगर आयुक्त से मिलकर गंगा के इन सभी घाट से सॉलिड वेस्ट हटाने के लिए अपनी तरफ से मदद देने की बात कही, क्योंकि सरकार पहले से ही इस प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन को लेकर बड़े लेवल पर जूझ रही थी। लिहाजा सरकार ने उनके काम को देखते हुए गंगा की सफाई का काम उन्हें सौंप दिया। इसके बाद कंपनी ने भारत में मार्च 2021 में ही खुद को इस काम के लिए रजिस्टर कर लिया और गंगा को एक बार फिर पावन बनाने की शुरुआत हो चुकी है। ये कंपनी कैसे करती है गंगा को साफ? बता दें, 80 और वरुणा घाट पर कुल 4 जगह ट्रैश बूम लगाए गए हैं, जो प्लास्टिक से लेकर बाकी कई तरह के सॉलिड वेस्ट को गंगा में आगे जाकर दूसरी नदियों में मिलने से रोकने का काम करते हैं। इसके साथ ही इन घाट पर, जहां शहरों से ज्यादा कचरा आता है, वहां फ्लोटिंग बॉक्स लगाए गए हैं, जो पानी के ऊपरी हिस्से में तैरते रहते हैं। इनकी मदद से हर रोज सुबह फिशर कंपनी में काम करने वाले 13 क्लीनिंग वर्कर्स इस ट्रैश बूम के पास जाकर सारा कचरा पानी से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से निकाला गया कचरा कलेक्शन सेंटर में भेज दिया जाता है, जिसे रिसाइकल करने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। गंगा की सफाई के दौरान बनारस और देश के लोगों के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है। यहाँ हर महीने नदियों से करीब 5 टन कचरा निकाला जाता है, जिसमें करीब 60% प्लास्टिक वेस्ट होता है। कई बार फिशर के वर्कर्स को इस पानी में घर में चलने वाले टीवी भी टूटी फूटी हालत में मिल चुके हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि नदियों में किस तरह लोग कुछ भी बहा रहे हैं। फिशर नाम की ये जर्मन कंपनी
बड़े लेवल पर इन दोनों घाटों से करीब करीब 47 टन कचरा निकाल चुकी है। इतना ही नहीं, ये कंपनी फिलहाल भारत में 3 जगह नदियों को साफ करने का काम कर रही है, जिसमें बनारस के साथ साथ बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम भी इसमें शामिल है। बता दें कि हर महीने होने वाली साफ सफाई में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। ऑफिसर की टीम हर दिन गंगा में फिलहाल 300 किलो कचरा जाने से रोक रही है। कचरे की सफाई और कचरे से ही कमाई। बनारस की नदियों और घाट से निकलने वाला ये कचरा सबसे पहले बनारस के अर्दली बाजार में मौजूद एक सेंटर पर भेजा जाता है और इस काम से उसे नगर निगम का बराबर साथ मिलता है, क्योंकि सरकार भी गंगा को जल्द से जल्द साफ और सुंदर बनाना चाहती है। इसके लिए बनारस नगर निगम कूड़ा उठाने के लिए कई बार अपनी गाड़ियों को भी भेज देती है, जिसके बाद यहाँ कचरे में मौजूद प्लास्टिक को निकाल कर अलग कर दिया जाता है और फिर इसे उन फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है, जहाँ पर इसे रिसाइकल करके फिर से यूज में लाया जा सकता है। इसी कचरे को बेचने पर जो पैसे मिलते हैं उससे इन सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे दी जाती है। यानी फिलहाल ये कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रही है। इसके साथ ही एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक हफ्ते में एक दिन 40 से ज्यादा वॉलंटियर मिलकर नदियों में बहने वाले प्लास्टिक को इकट्ठा करने का काम भी करते हैं। जैसे जैसे लोगों को गंगा को साफ करने की इस मुहिम के बारे में पता चल रहा है, लोग खुद ही खींचे चले आ रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हम नदियों में कचरा बहाना बंद कर दें तो देश के टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया बच जाएगा, जो नदियों की बेहतरी के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर इन नदियों को नहीं बचाया गया तो सबसे पहले इंसानों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिशर कंपनी भारत में भी नदियों को साफ करने में कामयाब रहेगी और उसे लोगों का भी इसमें साथ मिलेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप बनारस या ऐसी किसी और जगह से हैं जहां इस तरह के साफ सफाई वाले अभियान चलाए जा रहे हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।